एक टाइम पे इंडिया में भेजने के लिए भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। सिम कार्ड कंपनी से 1 GB डाटा खरीद के कितने में अपन को बेचते हैं आप लोग जानते हैं क्या? 11 साल की लड़की की आखिरी इच्छा पूछेंगे तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाएंगे। इन दो लड़कियों के साथ हुआ कोइंसिडेंट आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे। हंसना अपने बॉडी के लिए अच्छा होता लेकिन रोने की वजह से अपने बॉडी में क्या होता आप लोग जानते हैं। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए वीडियो को स्किप करे बिना लास्ट तक देखिए। नंबर 12, आर्मी ट्रेनिंग में कमांडर्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ रहती है। वहीं पे लड़कियों को फाइट करने वाली एक्टिविटी में नहीं लेते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से एक स्पेशल आर्मी टीम बनाने वाले एक वुमन है। इनका नाम है डॉक्टर सीमा राव। यही इंडिया के वुमेन फर्स्ट कमांडो ट्रेनर है। सीमा राव आर्मी में ज्वाइन करने से पहले मॉडलिंग ही कर रहे थे, लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए एक चांस मिलते से सब कुछ छोड़ के आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं। पिछले 20 सालों से इंडिया की स्पेशल कमांडो टीम को यही बना रहे हैं एंड इनको वंडर वुमन ऑफ इंडिया नाम का एक टाइटल भी मिला है। नंबर 11, अपन सब स्कूल से निकल के कॉलेज जाने से पहले स्कूल फ्रेंड से फ्यूचर में अपन सभी लोग टच में रहेंगे करके तो आपने बोला होगा, लेकिन कॉलेज जाते से डेली अपन ना देखने वाले स्कूल फ्रेंड्स धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। उसके बाद में स्कूल फ्रेंड्स के टच में रहना भी भूल जाते हैं। इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये बोलते हैं कि अपना माइंड डेली देखने वालों को याद रखता है, इसी वजह से स्कूल फ्रेंड्स को भूल के धीरे धीरे कॉलेज फ्रेंड्स उस जगह को पकड़ लेते हैं। और आप में से कितने लोग दूर रह के भी स्कूल फ्रेंड्स के साथ टच में भूले बिना नीचे कमेंट में लिख करिए। नंबर 10, हंसना अपनी बॉडी के लिए अच्छा होता आप लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं रोने की वजह से भी कुछ फायदे हैं? यानी कि सभी के रोने में दो टाइप होते हैं, उसमें एक खुशी में रोना और दूसरा दुखी में रोना। जिसमें खुशी में रोते वक्त अपने बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और दूसरा आता है दुख में रोना। इस वजह से टेंशन डिप्रेशन सब कम होकर माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। सो रोना आते हो रो देना एक अच्छी बात है। नंबर 9, डेली अपने घर से दूर कोई कंपनी में काम करने वाले बस नहीं तो कोई और व्हीकल का यूज करते हैं, ऐसी ही एक चींटियों की प्रजाति भी है। इन चींटियों का नाम है मारोट दाएं। इन चींटियों में साइज में एक दो चींटियां ही बड़ी होती है। इसी बड़ी चींटियों के ऊपर छोटी चींटियां बैठ के अपना खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। उन बड़ी चींटियों को व्हीकल जैसे ही यूज करते हैं। नंबर 8, लॉकडाउन में पब्लिक की हेल्प करने वाले सोनू सूद को सब लोग रियल हीरो मानते हैं। ऐसे ही 2021 उनके 48th बर्थडे पे एक उनके विपुल नाम के फैन का पोस्ट देख के बहुत ज्यादा ही आश्चर्य होते हैं, क्योंकि विपुल एक 5,000 square feet के घास वाले ग्राउंड में वहाँ पे घास में सोनू सूद का फोटो बनाते हैं। विपुल के इस पोस्ट को देख के ही सोनू सूद बहुत ज्यादा आश्चर्य होते हैं और उस फैन से मिलके थैंक यू भी बोलते हैं। नंबर 7, ब्रिटिश राज्य चलते हो अपन किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाके ऑफिस में रखी चेयर में बैठने की परमिशन हर किसी को नहीं रहती। उस टाइम पे अगर चेयर में बैठना हो तो ऐसा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट रखने वालों को ही गवर्नमेंट ऑफिस में चेयर में बैठने की परमिशन रहती है एंड कभी भी आपको गवर्नमेंट ऑफिस में बैठना है तो ये सर्टिफिकेट ले जाकर हाथों हाथ दिखाना पड़ता है। नंबर 6, शाहरुख खान कितना बड़ा एक्टर है आप लोग जानते होंगे और इनकी पॉपुलरिटी इतनी है कि इनकी इंडिया में ही नहीं फॉरेन्स में भी फैंस है। उसमें एक एग्जांपल के लिए शाहरुख खान के फॉरेन फैंस कैसे देखेंगे तो शाहरुख खान के हर एक बर्थडे पे शाहरुख खान के लिए चांद पे लैंड लेते हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के सैंडी और ये शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हो के और हर साल चांद पे उनके नाम पे लैंड लेने के जैसे, इसीलिए शाहरुख खान जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं सैंडी को मीट करके ही आते हैं। नंबर 5, 24 घंटे के अंदर कम से कम एक इंसान को 8 घंटे तो सोना चाहिए करके बोलते हैं, क्योंकि तभी अपनी बॉडी को एक अच्छा रेस्ट मिलता है। लेकिन इन 24 घंटों में 8 घंटे की नींद को एक ही बार में सोए बिना 4-4 घंटों को अलग करके इन 24 घंटों के अंदर 2 बार सो सकते हैं और ऐसा करने की वजह से अपनी बॉडी को और रेस्ट मिलता है। नंबर 4, अपन लोगों ने अभी तक बहुत ही अलग अलग पेंटिंग आर्टिस्ट देखे होंगे, लेकिन एक बार इंडिया के इस पेंटिंग आर्टिस्ट को देखिए। इनका नाम है विजय शिंदे। नॉर्मली ये अपनी बनाई हुई पेंटिंग को इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। उसमें से एक शेयर करने वाली वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ही वायरल होती है, क्योंकि उस वीडियो में विजय ने पानी के अंदर एक ही सांस में स्विमिंग गॉगल्स कुछ भी लगाए बिना उस पूरी पेंटिंग को बनाते हैं। इनके इस टैलेंट को देख के पब्लिक भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होते हैं। नंबर 3, कहीं पे ब्लड डोनेशन की बात आती है तो बहुत ही कम ही लोग आते हैं, लेकिन वियतनाम में आए हुए एक नए रूल के बाद वहाँ की अधिक पब्लिक ब्लड डोनेट कर रहे हैं। वो ये रूल है कि वियतनाम की पब्लिक को ब्लड डोनेट करने पे एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट की वजह से अगर आपके ब्लड को किसी और को ना दिया हो तो आप ही आपके ब्लड को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट हो तो आपको जो ब्लड लगेगा वो बहुत जल्दी अरेंज कर सकते हैं। इसी वजह से वियतनाम की पब्लिक ये सर्टिफिकेट अपन को बुरे वक्त पे काम देगा करके वहाँ पर अधिकतर लोग ब्लड डोनेट करते हैं। नंबर 2, एक बार एक 11 साल के लड़के को ब्रेन कैंसर हो जाता है। डॉक्टर्स भी उस लड़के की जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। उस लड़के के मरने से पहले उस लड़के की आखिरी इच्छा क्या है करके पूछते हैं। इसमें उस 11 साल के लड़के ने ये बोला कि हो सके तो मेरे ऑर्गन डोनेट कर दीजिए, इस वजह से वो तो जिंदा रहेंगे करके बोलता है। इस वजह से उस लड़के के मरने के बाद सारे डॉक्टर्स ऐसे सर झुका के रेस्पेक्ट देते हैं। नंबर 1, अपन सब यूज करने वाले एयरटेल वोडाफोन जियो, इनमें से कोई भी सिम हो ठीक, इसमें अपन को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहेगा तो वैसा इंटरनेट रिचार्ज करवाना पड़ता है। ऐसे इंटरनेट पैकेज को अपन कितने में डलवाते अपन सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जियो जैसी कंपनीज 1 GB डाटा कितने में खरीदते हैं आप लोग जानते हैं क्या? देखेंगे तो ये सिम कार्ड कंपनीज कहीं भी इंटरनेट को पैसे देके नहीं खरीदते, वो खाली सारे देशों को इंटरनेट कनेक्शन में रखने वाले सबमरीन केबल डालने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए ही पैसे देते हैं। सो सिम कार्ड कंपनी का खर्चा और अपना इंटरनेट का पैकेज कंपेयर करके देखेंगे तो जियो और बाकी कंपनी अपन यूज करने वाले 1 GB डाटा के लिए सिर्फ 5 से लेकर 20 पैसे खर्च होता है, तो सिम कार्ड कंपनी वालों के लिए 1 GB डाटा 5 से लेकर 20 पैसे तक का ही होता है। ऐसे ही टैक्स और कुछ अलग चार्जेस मिला के अपन को अधिक रेट में बेचते हैं। ऐसे सिम कार्ड कंपनी कितने पैसे कमाते हैं देखेंगे तो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आए हुए आर्टिकल में ये बताते हैं कि जियो खाली अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के अंदर 3,090 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। अब एक साल में सिम कार्ड कंपनी वाले कितने कमाते हैं सोच के देखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में आपका पसंदीदा फैक्ट कौन सा था और आपका यूजफुल फैक्ट कौन सा था बोले बिना नीचे कमेंट
मिली करिए। इसी और इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल के अंदर है, उसे भी देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक टाटा बाय।